ऑब्स्टिकल कोर्स सातवां दिन सुबह 10:32 ये ऑब्स्टिकल कोर्स यानी बाधाओं से भरा रास्ता खास तौर पर चुनौती भरा साबित होता है क्योंकि ये 7 दिन तक चले उस कैंप के बाद होता है जिसमें पैदल लंबा पहाड़ी सफर और रात भर जगकर खंड के खोदना शामिल होता है इनकी हिम्मत और मजबूत इरादों की ताकत इन्हें चलाए रखती है असल में यही वो खूबियां हैं जिनकी आज के जमाने के हर एक फौजी अफसर से उम्मीद की जाती है ये इनकी कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति और इनके साथियों से मिली प्रेरणा ही है जो थक कर बुरी तरह चूर हो चुके इन कैडेट्स को अपनी सहन शक्ति की सीमाओं को पार करने और जीत को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है वो आखिरी चुनौती है जिसे कैडेट्स को पूरा करना है जिसके बाद ये 7 दिन का बेहद मुश्किल कैंप खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान की नेशनल डिफेंस एकेडमी के 124वें कोर्स की फाइनल पासिंग आउट परेड में बस एक हफ्ते का ही वक्त बचा है इस कोर्स के कैडेट्स के लिए ये 3 सालों की गहन पढ़ाई और मिलिट्री ट्रेनिंग का शानदार ग्रैंड फिनाले है धूमधाम और शानो शौकत से भरी असली परेड के होने से कुछ ही दिन पहले जूनियर कैडेट्स कोर्स पूरा कर चुके कैडेट्स के विदाई समारोह के लिए एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं जो एनडीए कैंपस के बॉम्बे स्टेडियम में आयोजित किया जाता है ये कैडेट्स हॉर्स राइडिंग कराटे और जिम्नास्टिक्स में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करते हैं एक सौ चौबीसवें कोर्स की पासिंग आउट से पहले 297 कैडेट्स का पूरा दस्ता जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है हट ऑफ रिमेम्बरेंस यानी स्मरण कुटीर में एक शांत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें जंग में शहीद हुए एनडीए के भूतपूर्व कैडेट्स को श्रद्धांजलि दी जाती है सैनिकों को सलामी देते वक्त जिन्होंने मैदान जंग में सबसे आगे रहते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया हर अफसर अपने मन में यह प्रतिज्ञा करता है कि वक्त आने पर वो भी इससे पीछे नहीं हटेगा अकेडमी डिनर नाइट कैडेट्स मिस रात 8:30 पासिंग आउट सेरेमनी से पहले हमेशा की तरह कई फॉर्मल डिनर्स का आयोजन किया जाता है जैसे की 124वें कोर्स का ये डिनर शानो शौकत भरा ये कार्यक्रम कोर्स पूरा कर रहे कैडेट्स के एकेडमी में बिताए गए वक्त का जश्न मनाता है इस डिनर नाइट का संचालन कमांडेंट करते हैं जो अपनी खास जगह पर बैठते हैं मिलिट्री बैंड मधुर संगीत बजाते हैं और पूरी एकेडमी को एक साथ खाना परोसा जाता है वो सब मिलकर खाने की शुरुआत करते हैं सब लोग एक ही वक्त पर खाना शुरू करते हैं और एक ही वक्त पर खत्म यही एनडीए का नियम है गुड इवनिंग ये वाकई मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि 124वें कोर्स की तरफ से मुझे आपसे 2 शब्द कहने का सम्मान मिल रहा है इस महान एकेडमी में हमारे 3 साल की ट्रेनिंग अब बस खत्म होने वाली है और वो दिन तेजी से करीब आ रहा है जब मैं एक एक्स एनडीए कैडेट बन जाऊंगा यहाँ से आप विदाई लेने का वक्त आ रहा है और मेरा आप सबसे वादा है कि हम एनडीए के मूल मंत्र को हमेशा याद रखेंगे सर्विस बिफोर सेल्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम आखिरकार एकेडमी में कड़ी मेहनत से भरे 3 साल गुजारने के बाद अब वक्त है नतीजों का कैडेट्स हबीबुल्ला हॉल में आयोजित एक शानदार कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं यहाँ इन कैडेट्स को ग्रेजुएट डिग्रीज और ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर चीफ गेस्ट यानी महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है जहाँ पर एनडीए स्थित है कोर्स पूरा होने के बाद ये ग्रेजुएट्स अपनी पसंद के हिसाब से इंडियन मिलिट्री एकेडमी एयरफोर्स एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं
इस समय मैं AFA को ज्वाइन करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं इंडियन एयरफोर्स की सेवा शानदार तरीके से कर सकूँ। ये एक ऐसी प्रतिष्ठित और बेजोड़ संस्था है जो कांच के टुकड़ों को हीरों में बदल देती है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ है कि इसके बाद मैं IMA जाऊंगा और उसके बाद मैं इन्फेंट्री ज्वाइन करूंगा। ये बच्चा शुरू से ही मतलब एक मेहनती था और काफी इंटेलिजेंट बच्चा था। इसका हमारे को शुरू से ये था कि आगे जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। मुझे यकीन है कि IMA में हम लोग दूसरे देशों से आए सैनिकों से बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और NDA के कैडेट्स दूसरों से हमेशा आगे रहेंगे क्योंकि यहाँ हमें खास ट्रेनिंग दी जाती है। आने वाले वक्त में मैं चाहे किसी भी सेना में जाऊं, मुझे 6 टर्म्स में सिखाई गई बातों को याद रखना है, खासकर जो हमें 6ठे टर्म में सिखाई गई हैं। मैं आज बहुत खुश हूं, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। ये देखकर मेरे पिता भी मुझ पर गर्व करेंगे, उन्हें बेहद खुशी है कि उनका पोता यहां से ट्रेनिंग लेकर उनसे मिलने आ रहा है। मैं एक एयरफोर्स कैडेट हूं, मैं एयरफोर्स अकेडमी को ही ज्वाइन करूंगा। मुझे और ज्यादा फ्लाइंग आवर्स मिलेंगे, मैं वहां ज्यादा विमान उड़ा पाऊंगा और मुझे विमान उड़ाने की अपनी असली काबिलियत का पता चलेगा। और सर्विस की जहां तक बात है, मैं ये फैसला कर पाऊंगा कि मुझे किस विषय को चुनना है। तो ये तो बस पहला ही कदम है, ये मेरे करियर की शुरुआत है। मैं बेस कैंप पर हूं और अभी बहुत आगे बढ़ना है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा एयरफोर्स और साथ ही अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। ये मई महीने के एक गर्म दिन की शुरुआत है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। क्वार्टर मास्टर फोर्ट, सुबह 6:31। आज के दिन 124वें कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड होने वाली है। हम जिस दिन की तैयारी कर रहे थे, आखिर वो दिन आ चुका है। आप जानते हैं लोगों की आपसे क्या उम्मीदें हैं? वहां क्वार्टर डेक में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो 20 अलग अलग देशों से आए हुए हैं। कईयों के माता पिता अपनी आंखों में सपने संजोए बैठे हैं। वो सब आपकी पासिंग आउट परेड को देखने के लिए आए हैं। परेड की काबिलियत देखकर वो आपकी काबिलियत का अंदाजा लगाने वाले हैं। उन्हें निराश नहीं कर सकते। परेड के लिए तैयार? नेत्रपाल परेड ग्राउंड, सुबह 7:15। पासिंग आउट परेड वो आखिरी कार्यक्रम है जिसका आयोजन NDA की ट्रेनिंग के खत्म होने पर किया जाता है। ये शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री परेड का एक उदाहरण है। एकेडमी में इस बेहद शानदार कार्यक्रम का आयोजन हर साल 2 बार किया जाता है। हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर यानी कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के आधिकारिक झंडे को परेड का हिस्सा बनाने के लिए कैडेट्स द्वारा लाया जाता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल DK जोशी उस पारंपरिक बगी में आते हैं जिसे चीफ गेस्ट को लाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वो उस परेड का निरीक्षण करते हैं जिसका संचालन एकेडमी कैडेट कैप्टन JS सुमन कर रहे हैं। श्रीमान, राष्ट्रीय रक्षा कैंप में 1090 कैडेट परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर। ये नौजवान एक दिन वो लीडर बनेंगे जो भारत गणराज्य के निगहबान, रक्षक और रखवाले बनेंगे। सारे कैडेट्स मिलिट्री बैंड की ताल पर कदम से कदम मिलाकर मार्च करते हैं। कृष्णानुनी TS और कात्यायन मिश्रा कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथियों के साथ मार्च करते हैं। उनके अंदर जोश हिलोरे मार रहा है। 3 साल पहले जो नौसिखिया कैडेट्स उस बस से बाहर निकलकर इस संस्था के अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने वो दुनिया देखी जिसमें उन्होंने पाया बेहतरीन पढ़ाई, गहन प्रशिक्षण, सुबह सुबह का कड़ा अभ्यास, जबरदस्त मुकाबला, थोड़ी बहुत सजा और ढेर सारा भाईचारा।
इन लोगों को अब इंतजार है एक ऐसी दुनिया का जहां इन्हें कुछ कर दिखाने के ढेर सारे मौके और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिन कैडेट्स ने अपनी टर्म में पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था वो मेडल्स लेने के लिए आगे आते हैं। 124वें कोर्स के जेएस सुमन और विशाल दहिया दोनों का ही प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। परेड के आखिर में कैडेट्स ऑल लैंड साइन की धुन पर धीमे धीमे मार्च करते हुए क्वार्टर डेक की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बिल्कुल पक्की है कि एकेडमी से जाते वक्त ये कैडेट्स मजबूत, आत्मविश्वास से भरे और सच्चे इंसान बनकर निकल रहे हैं। यहाँ एकेडमी में इनके शानदार भविष्य की नींव रखी गई है। इन्हें एक सच्चा इंसान और बेहतरीन योद्धा बनाने वाली सारी खूबियां हमेशा इनका साथ निभाएंगी। ड्रम की इस ताल और परेड के इन कदमों की आवाज हल्की पड़ जाने के बाद भी अब ये कैडेट्स मार्च आउट करेंगे। एनडीए और इनका साथ खत्म हो गया है, अब इन्हें असली दुनिया का सामना करना है। मेरे ख्याल से मैं जूनियर टर्म्स को बहुत ज्यादा याद करूंगा क्योंकि इस कोर्स के वो दिन सबसे मुश्किल होते हैं, तो मैं याद रखूंगा अपने सीनियर्स, यहाँ की ट्रेनिंग और अपने साथियों को। हर टर्म की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं और उससे जुड़ी कुछ यादें, ऐसे कुछ खास पल भी होते हैं जो आप अपने सच्चे दोस्तों के साथ बिताते हैं। यहाँ की जिस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगा वो है मेरे साथी जिन्होंने मुझे हर काम के लिए प्रेरित किया। जिन्हें लोग एक्स एनडीएस बुलाते हैं सारी जिंदगी के लिए हमारे दोस्त बन जाते हैं, हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते। सच कहे तो पहले जब हम यहाँ आए थे उसके मुकाबले अब हम में काफी बदलाव आए हैं और यहाँ से जाते वक्त हमारी आंखों में खुशी के आंसू और सीना गर्व से चौड़ा होता है। We are the champions.